सरकार घरेलू स्तर पर चावल की कीमतों पर काबू रखने के लिए उबले हुए चावल पर लगे प्रतिबंध को बढ़ा सकती है। इसका असर दुनिया भर कीमतों पर पड़ सकता है। चावल के निर्यात पर पाबंदियां बढ़ा सकती है भारत सरकार। दुनिया भर के बाजारों में दाम बढ़ने का खतरा, क्या हो सकता है सरकार का मास्टर प्लान? आइए देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। चावल के सबसे बड़े निर्यातक भारत के कदम से एशिया समेत पूरी दुनिया में चावल के दामों पर असर पड़ सकता है। घरेलू बाजार में चावल की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार उबले चावल पर लगने वाले 20% निर्यात शुल्क की समय सीमा को बढ़ाने पर विचार कर रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि साल 2023 के अंत तक होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और साल 2024 में होने वाले आम चुनाव से सरकार की कोशिश है कि वह महंगाई पर लगा सके। ऐसे में चावल की कीमत को कंट्रोल करने के लिए अगर सरकार निर्यात शुल्क को बढ़ाने की कोशिश करती है तो इसका असर दुनिया भर पर पड़ेगा। जुलाई में भारत के निर्यात शुल्क लगाने के फैसले के बाद से ही एशियाई बाजार में चावल की कीमत 15 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। भारत में हर साल चावल की कई किस्में उगाई जाती है, जिसमें से उबले हुए चावल का एक बड़ा हिस्सा देश से होने वाले चावल के निर्यात में 30% उबले हुए चावल की हिस्सेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट।